चले। इसमें एक चीज़ कई बार सवाल उठते हैं कि हाईवे के अंदर एक तो एक लेन से दो लेन करना, कई सड़कें तो हाईवे आपकी एक सिंगल लेन है, कहीं पर डबल लेन है उसको चार लेन करना, नई कितनी बढ़ाई है आपने डबल से चार के। दिल्ली के रहने के बाद ऐसी बात कर रहे हो, ये स्वामीनारायण मंदिर के सामने दिल्ली मेरठ में 16 लेन रोड बना है, आपने देखा वो? हाँ, तो अपने आपके मुझे बताइए टारगेट जैसा कंप्लीशन का वो तो नहीं कंप्लीट हुआ ना, आपने कहा था अभी मैं जून में थोड़ा एक आरओबी के कारण रुका है, दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, जून के बाद आप 45 से 50 मिनट में जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। रीति भाई डेडलाइन तो मिस हुई ना आपकी वहाँ भी, क्या डेडलाइन तो मिस हुई ना देरी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस की? सर इसमें बिल्कुल हुई है, हुई है ना, आप मेरठ जाएंगे अगर आप हाईवे जहाँ आपका बन रहा है वहाँ पर रैपिड ट्रांसपोर्ट बन रही है उसका, उसके साथ नहीं, पौना घंटा लगता है मेरठ तो। मैं दिल्ली से डेहराडून एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, हाँ बना रहे क्या मैंने, और आपको बताता हूँ प्रभु जी, मैं 5 साल तक तो भी हमारी सरकार है, आपको 2.5 साल के अंदर दिल्ली से डेहराडून 2.25 घंटे में पहुंचाऊंगा। नितिन जी आपको मैं पहले जब की थी ना आपका था गुड़गावा में ठीक कर दूंगा, आप 3 साल बाद बात कर रहा हूँ, गुड़गावा में अभी जाम होता है। पहली बात, मैं दिल्ली के आजू बाजू में कम से कम 55,000 से 60,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, आज सब काम लगभग चालू है, केवल एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो बना रहा हूँ पौना किलोमीटर रुका हुआ 3 साल से, पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिली किसी सरकार है? नहीं सर, ये दिल्ली सरकार से थी, और केजरीवाल जी को मैंने खुद 2 बार फोन किया, अभी उन्होंने दिलाई परमिशन, दिलाई काम शुरू हो गया, अभी वो हाईवे पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब 3 साल मैं ये कह रहा हूँ सवाल क्यों उठाया, मुझे बताइए दिल्ली के काम सब चल रहे हैं इसमें कोई शक ही नहीं है। नहीं नहीं, दिल्ली जयपुर 4 साल पहले याद करिए क्या परिस्थिति थी, भी दिल्ली जयपुर पे टोटल ट्रैफिक 2.25 लाख से ज़्यादा है, और इसलिए सोना से जयपुर नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और मैं अभी डायरेक्ट जयपुर के लिए भी उसके लिए एक लाइन नहीं जोड़ रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.25 घंटे में आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर दिल्ली से जयपुर 3 घंटे में पहुँच जाओगे। नितिन भाई आप तो महाराष्ट्र में रहे, पूना से बॉम्बे वाला जो बना आपके ज़माने में शायद शुरू हुआ था ना? मैंने बनाया, फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ दिल्ली से जो भी सड़क जाती है आपको आपको पता नहीं उस शुरू में प्रॉब्लम आई गई। अभी प्रॉब्लम इसलिए आई देखिए जैसी लोकसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती ना, तो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन से की तुलना में कार की संख्या ऑटोमोबाइल की संख्या उससे 2 गुना बढ़ रही है अब हिंदुस्तान में। जब आपने बनाया था तब भी तो बढ़ रही थी, तब भी तो बढ़ी थी, पर आपका उस वक्त इतना सक्सेसफुल मॉडल रहा वो। उसमें क्या हुआ है कि रोड, एक बात जरूर है कि दिल्ली जयपुर में बहुत हैवी ट्रैफिक है, दिल्ली जयपुर से दिल्ली देहरादून की बात कर रहा हूँ, 30 साल जाने के लिए हरिद्वार बेचारा किसी को अस्थियों का विसर्जन करना है, बेचारा जाते जाते कमर टूट जाए बेचारे एक दुखी आदमी। आप कब गए थे अभी? मैं अभी 1 महीना पहले गया, 1.5 महीना पहले। आप गलत बोल रहे हैं, 4.5 घंटे दावे से बोल रहा हूँ, मेरठ से निकलने का। कल मेरे पास मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों उत्तराखंड के आए थे, हमने लगभग 99% काम पूरा कर लिया है कुंभ के पहले। कि जो सवाल मैंने पूछा था कि आपने नेशनल हाईवे इतनी बड़ी संख्या में 40 किलोमीटर बना रहे हैं, उसमें नए कितने हैं, ग्रीन फील्ड कह लीजिए या जो भी भाषा आपकी है, कि नए कितने बनाए? एक तो सड़कों का चौड़ीकरण जो नया भाषण कि आप 2 से 4 कर दिया आपने, 1 से 2 की है, इतने 2 से 2 से 4 से 8 की है, 6 से 8, हाँ 6 से 8। तो बताए वो जो है लोगों को लगता है कई जगह पर ऐसी जगह, मैंने एक बार यूपी चीफ सेक्रेटरी जी से अब उसकी स्थिति क्या है अभी भी है कि उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था प्राइम मिनिस्टर बूंदी जी के, आप भी थे उसमें, कि उन्होंने दिखाया था कि नेशनल हाईवे के ऊपर कब्जा हुआ हुआ है यूपी के कई जगह पे, नेशनल हाईवे है नहीं, लोगों सड़क पे उसके ऊपर मकान बने हुए हैं, आपने उसका किया होगा इस तरह की, आपके पास आज का सैटेलाइट है नेशनल हाईवे के ऊपर कितने अभी तक एग्जिस्ट करते हैं? ये आपको बात बता दूँ, यूपी में मैं 2 लाख करोड़ के हाईवे का काम कर रहा हूँ। आप सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ क्या होगा, मैं जब पार्लियामेंट में खड़ा होता हूँ जवाब देने के लिए, तो कोई भी पार्टी का एमपी हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पहले बोलता है मेरा ये काम हुआ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और फिर बात शुरू करता है। यूपी बदलने के लिए और समय लगा, मुझे और 3 साल चाहिए। नहीं, बिहार भी ऐसे ही है सर, बदल गया काफ़ी। मैं केवल आपके गंगा पर 6 पुल बना रहा हूँ, जो आपको बता दूँ बिहार राज्य की स्थापना होने के बाद जितने पुल नहीं बने उससे ज़्यादा पुल मोदी जी के कार्यकाल में मेरे डिपार्टमेंट ने बिहार में बनाए। मैं सवाल पूछूंगा आपको कि मेरा भूमि पूजन किया हुआ कौन सा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, नाम बताओ।
जब भी कोई काम शुरू करते हैं आपने कहा कि एग्जांपल दीजिए, मैं एग्जांपल तो ऐसे आपको दे दूंगा, मैं आपको रिसर्च करके एग्जांपल दे दूंगा 10 प्रोजेक्ट के जो आपने शुरू की, मैं तो अभी देहरादून का ही दे रहा हूँ आपको, मैं आपको फिर से जयपुर का दे रहा हूँ आपको, गुड़गांव का दे रहा हूँ जो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ। बातें गलत है, देखो मैं आपको, दिल्ली जयपुर का पूरा काम पूरा हो गया है, पूरा काम पूरा हो गया। ट्रैफिक जाम अभी भी होता है? हाँ, ट्रैफिक जाम होती है, इसका कारण आप समझ लो, नेशनल हाईवे का मतलब होता है हाईवे ना, ये नहीं कि आप एक के बाद एक बात समझ लीजिए कि 5 साल पहले जो ट्रैफिक था उससे 3 गुना 4 गुना ट्रैफिक बढ़ा है। अब इसके लिए नया दिल्ली जयपुर का सोना से नया हाईवे बनेगा, वो 1 साल में ओपन होगा तो ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा। आपकी गलती नहीं, मुझे बताइए, आपके ऑफिसर जब बनाते हैं आज प्रोग्राम, उनको पता है कि आज 1 लाख गाड़ियां जा रही हैं, आपका प्रोजेक्ट 2 साल में पूरी होगा, तब गाड़ियां कितनी होंगी उस हिसाब से बना करके पुल बनाना चाहिए ना। शायद आपका रिसर्च कम हुआ, दिल्ली जयपुर का प्लानिंग यूपीए सरकार में टेंडर दिया गया था, आपके वो दिल्ली के एक सरदार जी थे, बाद में भाग गए वो, कहीं उनके प्रॉब्लम हुए, गिरोला या कुछ तो भी, नरोला उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्टर थे वो यूपीए सरकार में, उसमें उनको काम मिला, हार गई सरकार खत्म हो गई, उसको भूल जाइए, वही काम मैंने पूरा किया अभी। नहीं पूरा, आप जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक बढ़ गया इसलिए ट्रैफिक जाम हो रहा है, हाईवे आपने जो एक नई, मैं आपकी तारीफ आप कर रहा हूँ कि आपने जो हाईवे बनानी टेक्नोलॉजी के नीचे से बाईपास बनेगा जो पहले नहीं होते थे, पर वो जो प्लानिंग बनी थी वो यूपीए सरकार के कार्यकाल में दिल्ली जयपुर की बनी थी, उसकी विड्थ की, ये मैंने नहीं बनाई, वो बंद पड़ा था, उसके प्रॉब्लम लिटिगेशंस थे, बैंक 11 बैंकें थी, सब प्रॉब्लम रिजॉल्व करके मैंने प्रोजेक्ट, मैं एग्जांपल देना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।